विद्यार्थी मित्रों, आज आप पाठ त्रण तपेला मरी गया बराबर। तमने पाठन शीर्षक जोई ने कई नवाई लागशे, पण पाठन नाम आ छे कि तपेला मरी गया। तो आ पाठ विषे आज आप समझूती मेळवाना छे। आ पाठनी अंदर बीरबल अने अकबर नी वार्ता तमे घणी वखत सांभळी छे, तो बीरबलनी चतुराई थी तमे बधा परिचित ज छो कि बीरबल केटलो चतुर हतो अने पोतानी चतुराई ने लीधे ए केटलो प्रख्यात हतो। अकबर ने बीरबल वगर जराक पण चालतुं न हतुं। तमने बीरबल अने अकबरनी घणी बधी वार्ताओ तमे शीखी गया छो, तो आजे पण आपणे एक नवी वार्ता साथे अहीं हाजर थया छे। અને અહીં પણ બીરબલ પોતાની ચતુરાઈ આ પાઠની અંદર કેવી રીતે બતાવે છે તે આપણે જોવાના છે। પાઠને સમજતા પહેલા આપણે તેના શબ્દાર્થ વિશે સમજૂતી મેળવીશું। શબ્દાર્થ યુક્તિ ઉપાય ટ્રિક, મલકાતા 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 એનો મતલબ છે ધીમે ધીમે હસતા હસતા, विथ स्माइल बराबर हसता हसता हसना पर धीमे धीमे हसना, ताड़कवू गुस्सा थी राड पाड़वी, राड मतलब चीखना, गुस्सा थी राड पाड़वी टू रॉर एंग्रीली, रूढ़ी प्रयोग लाल चोड़ थवू। शब्दार्थनी साथे अहीं एक रूढ़ी प्रयोग छे ते आपणे समजीशुं। लाल चोड़ थवू मतलब गुस्से थवू, टू बी एंग्री गुस्से थवू। गुजराती में कहवाय मारा पप्पा मने मारा पर लाल चोड़ थई गया बराबर, एटले खूब क्रोधित थई जवू गुस्से थई जवू। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे पाठना वाचन साथे तेनी समझूती पण मेळवता जईशुं। एक वेपारी हतो ते खूब ज लोभी अने बदमाश हतो। वेपारी हतो पण ए लोभी हतो अने बदमाश, बदमाश मतलब ए लुच्चो हतो। ઘણા બધા કસ્ટમર સાથે ગ્રાહકો સાથે એ બદમાશી કરતો હતો, ચીટિંગ કરતો હતો, તેમને છેતરતો હતો। એકવાર ઘણા બધા લોકોએ બીરબલ પાસે જઈને તે વેપારીની ફરિયાદ કરી। સબ લોગ ઇકઠ્ઠા હોકે બીરબલ કે પાસ જાતે હૈ ઓર ઇસ વેપારી કે લિયે વો સબ કમ્પ્લેન કરતે હૈ। બીરબલે તેને પાઠ ભણાવીને સીધો કરવાનું વિચાર્યું। બીરબલને સોચ લિયા કે અભી इस व्यापारी को हमें सबक सिखाना पड़ेगा, पाठ भणावो मतलब सबक सिखाना। एक दिवस बीरबल लोभी वासणवाड़ा की दुकाने गयो। जो लालची वासणवाड़ो मतलब वो बर्तन बेचने का काम करता था, तो वो व्यापारी के पास बीरबल उसकी दुकान पे जाता है अने त्रण मोटा तपेला खरीदया। तपेला मतलब पतीले, तीन बड़े बड़े पतीले उन्होंने खरीदे। दुकानदारे तेनी पासे थी वधारे भाव लीधो, वो पतीले के भी ज़्यादा दाम लिए गए। व्यापारी लोभी था इसीलिए उसने ज़्यादा पैसे बीरबल के पास ले लिए। बीरबल जानता होवा छता पण कई न बोलियो। बीरबल ये बात जानता था कि उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। थोड़ा दिवस पछी बीरबल वासणवाड़ानी दुकाने गयो और थोड़े दिन के बाद वो वापस वही व्यापारी के पास उनकी बर्तन की दुकान पे जाता है। बीरबल ने दुकानदार ने कहूँ भाई लो आ नानी त्रण तपेलियो, और उनके पास जाके बोलता है भैया ये ले लो आपकी छोटी छोटी पतीली बराबर। जबकि उसने खरीदी थी बड़े पतीले खरीदे थे, फिर भी वो व्यापारी के पास थोड़े दिन के बाद जाके उसको छोटी पतीली देता है, नानी तपेलियो एने आपे छे। दुकानदारे पूछ्यू केम तमारे वेचवानी छे, आपको बेच डालना है वापस, ऐसा पूछा दुकानदार ने। बीरबले हसतो हसतो कहूँ भाई हूँ थोड़ा दिवस पहला तमारे त्यांथी त्रण तपेला खरीदीने लई गयो हतो बराबर। तो बीरबल उसको हंसते हंसते जवाब देता है कि मैं थोड़े दिन पहले आपके पास तीन पतीले खरीद के ले गया था। दुकानदारे कहूँ हाँ ते मने याद छे भाई, मुझे सब याद है भैया। बीरबले कहूँ ए त्रण तपेलीओ ए आ त्रण बच्चा ने जन्म आप्यो छे, और बीरबल उसका
उसको आंसर करता है, उससे उसके साथ बात करता है कि जो बड़े बड़े पतीले ले गया था उसने तीन छोटे पतीलियों को जन्म दिया है, मतलब ये पतीली जो है उनके बच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, पर ये सारी बीरबल की युक्ति थी। आ त्रण तपेलीओना मालिक तमेज कहवाओ, तेथी हूँ ये तमने आपवा आव्यो छूं। बराबर, तो बीरबल उससे बात कर रहा है कि जो बड़े पतीले खरीदे थे उसके ये छोटे बच्चे हुए, तो ये भी उसके मालिक भी आप ही हो, तो उसको मैं आपको वापस देने आया हूँ। जे वस्तु तुम्हारी हो ते तमने ज आपवी पड़े ने, जो चीज़ आपकी है तो आपको ही देनी पड़ेगी, मारे देना पैसा थोड़ा लेवा है, इसलिए मुझे उसके पैसे नहीं देने हैं। मैं ये छोटी तपेली जो पतीली है मैं आपको दे देता हूँ, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो बड़ी पतीली दी थी उसके ही ये तीन जो छोटी पतीली है वो उसके ही बच्चे हैं, तो ये आपके ही है, तो आप उसको ले लीजिए और उसके बदले में मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। दुकानदार बीरबल ने आवी मूर्खाई भरेली बातों सांभळी ने मनमा ने मनमा हंसवा लाग्यो। वो मन में ही मन में उसने सोच लिया दुकानदार ने कि ये इंसान, ये बीरबल तो कितना मूर्ख है, कितनी मूर्ख जैसी बातें करता है, कभी कोई बड़े पतीले के छोटे बच्चे हो सकते हैं। वो मन में हंसने लगा। लोभी दुकानदारे त्रणे नानी पतेली तपेली मफत में ज राखी ली थी, ए लोभी हतो, तेथी तेणे त्रणे तपेली मफत में पोतानी पासे राखी ली थी। जारे बीरबल पण पोतानी युक्ति सफल थवानी मन में खुश थतो चालियो गयो। बीरबल भी उसको समझ में आ गया कि मेरी युक्ति अभी सफल होने वाली है, वो भी मन में खुश होते होते आगे निकल गया। अभी आगळ आपणे बीजा पीरियडनी अंदर पाठनी समझूती मेळवीशुं, तमारे घरे पाठनुं वाचन करवानुं छे। आवजो विद्यार्थी मित्रों।